हेलो गाइस, इट्स योर बॉय लकी बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बायजूस के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका एग्जैक्टली काम क्या होगा वहाँ पे और किस तरह का प्रेशर रहता है वहाँ पे। और जो उनका 10 लाख का पैकेज है, क्या वो एक्चुअली 10 लाख रुपए पे करते हैं या बस वो उन्होंने एक हाईलाइट कर दिया कि 10 लाख का पैकेज है, बट एक्चुअली आपको कुछ और ही मिलता है। तो गाइस, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अंटिल दी एंड। आई विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि बायजूस का जो मैंने इंटरव्यू प्रोसेस का पूरा वीडियो एक बना के डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में, और वो इंटरव्यू में बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो आप पहले वो वीडियो देखिए, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके कुछ कॉमन क्वेरीज होंगी कि वहाँ पे एग्जैक्टली आपका रोल क्या होगा और किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट रहता है, प्रेशर कैसा रहता है, और क्या वो आपको 10 लाख रुपए पे करते हैं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि पैकेज जो 10 लाख का उनका होता है, वो एक्चुअल में 10 लाख का होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि उसमें से आपको उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आपने देखा हो, जो 7 लैक्स जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो 3 लाख जो उसमें होता है, 3 लैक्स, वो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। 7 लाख जो है वो आपका फिक्स्ड इंसेंटिव्स है, वो आपको मिलेंगे, बट जो 3 लाख है वो आपको, एक तो रहता है कि टारगेट बेस्ड, जितनी आप सेल करोगे आपको उसका 10% मिलता है। आप अपना अगर टारगेट अचीव कर लेते हो और टारगेट से ऊपर आप जितनी सेल करते हो, आपको उसका 10% मिलता है। और उसके अलावा आपका ये भी रहता है कि आपको हर महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपये आपको ओला मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आप जो भी अपॉइंटमेंट्स बुक करोगे, जब आपको घर घर जाना होगा, तो वहाँ पे आपको जा जा के जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज जो होते हैं वो 30,000 मिलते हैं। तो आपकी नॉर्मली सैलरी 55,000 होती है नैंड, और उसके बाद में आपको 30,000 का आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो मैं समझता हूँ। और आपको स्टे करने के लिए भी आपको सारे एक्सपेंसेस मिलते हैं, आप जिस भी सिटी में जाते हो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, आपको ओयो का रूम दिया जाता है, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो, तो ऐसा होता है। सेकंड हम बात करेंगे कि आपका एग्जैक्टली रोल क्या होगा। तो गाइज, आपको स्टार्टिंग में आपको शायद उन्होंने बताया भी होगा, आपका सेकेंड इंटरव्यू के टाइम पर वो आपको एग्जैक्टली आपको बता देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि आपका जब ज्वाइनिंग आएगा, तो आपको फर्स्ट मंथ जो आपकी होगी, आप 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं, जिसमें से आपका पहला महीना है वो ट्रेनिंग होता है बैंगलोर में। वहाँ पे आपको वो लोग ट्रेन करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, 1 महीने आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे, और फिर आपको लोकेशन पर भेज दिया जाता है। आपको जो भी लोकेशन मिलती है, आपको 2 महीने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है, और 2 महीने में आपको फिर सेल्स लानी पड़ती हैं। आपकी स्टार्टिंग में 3 महीने जब आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 25,000 होती है, वेयर यू हैव टू लाइक वंस यू अकम्पलिश योर टारगेट, देन ओनली यू विल गेट दी फाइनल। आप उसी टाइम पे आप परमानेंट एम्प्लॉय बनते हो, अगर आप वो प्रोबेशन पीरियड आप क्रॉस कर देते हो, अगर आप उनको 3 महीने में आप उनका टारगेट अचीव कर देते हो, तो मेनली 3 महीने में जो उनका टारगेट रहता है वो 6 लाख का होता है। उस टाइम पे आपको जो सैलरी मिलती है वो अराउंड 25,000 मिलती है इन हैंड सैलरी, और जो भी सारे मेडिकल के जो भी वो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो सारा कवर करके आपको 25,000 आपको मिलता है इन हैंड, और उसमें आपको 6 लाख की सेल करनी पड़ती है आपको। आपको उनके प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं उन 2 महीनों में, और उन 2 महीनों में अगर आप वो 6 लाख का टारगेट अचीव कर देते हो, तो आप बायजूस के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको डायरेक्टली रिज़ाइन करना पड़ता है 3 महीने के बाद। तो 6 लाख से अगर आप 1,000 भी अगर आपका नहीं होता है टारगेट अचीव, अगर आप 5,99,000 करते हो, तो भी आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो गाइज़, ये चीज़ आप थोड़ा देख लें, अगर आप आपको लगता है दैट यू कैन ईजिली सेल एनीथिंग, देन आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आपको काफ़ी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। आप आपके जो कलीग्स होंगे वो आपके आपकी एज के होंगे, और कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 10 लाख कोई भी कंपनी आपको ऐसे नहीं देगी, आपको उनके लिए कम से कम 20-30 लाख रुपए का काम करना पड़ेगा, तब वो आपको 10 लाख रुपए देंगे। और जो वर्क एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप
आप अपनी काफ़ी स्किल्स को डेवलप करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात मैं समझता हूँ। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की काफ़ी नॉलेज हो जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब करनी है तो आप कर सकते हैं जॉब, बट टारगेट जो रहते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं अचीव करने, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया में अभी लोग इतने अवेयर नहीं हुए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के या फिर उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो आपको किसी की जेब से पैसा निकलवाना है तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, यू मस्ट परचेज दो स्किल्स। अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इट, बिकॉज 3 महीने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, और 3 महीने आपके पास बहुत प्रेशर रहेगा। आप सुबह उठोगे तो आपका फ़ोन बजेगा, तो आपको आपका मैनेजर बताएगा कि आपकी इतनी सेल हुई है और आपको इतनी सेल और करनी है, तो प्रेशर आपका काफ़ी रहेगा। अगर आप टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपको टारगेट के ऊपर जो भी आप सेल करते हो उसका भी 10% मिलता है, और आपको अदर रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। सो वो काफ़ी चीज़ अच्छी हैं। वर्क एनवायरनमेंट इज़ लाइक ए स्टार। और जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब थर्ड पॉइंट जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वॉट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी योर रोल। सो आपको मेनली ट्रेनिंग के बाद में एक ऑफिस मिल जाएगा, जहाँ भी आपका ब्रांच ऑफिस होगा आप वहाँ ब्रांच ऑफिस में जाएंगे। आप सुबह 9 बजे जाएंगे, और आपको यूजुअली कॉल्स करनी होंगी ड्यूरिंग द वीक डेज। बायजूस में आपको एक चीज़ ध्यान से आपको देख के चलना पड़ेगा कि बायजूस में आपको 2 दिन ऑफ मिलेंगे, बट वो आपको सैटरडे संडे नहीं मिलेंगे, वो कोई भी डेज हो सकते हैं, वीकेंड्स के नहीं होंगे आपके। यूजुअली आपको वीक डेज ऑफ मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे या फिर वेनसडे थर्सडे ऐसे करके, और जो आपके वीकेंड्स होंगे वो आपके फिक्स्ड होंगे। आपको आप जो अपॉइंटमेंट्स लेंगे, आपको उन अपॉइंटमेंट्स पे विजिट करना है आपको, और उस टाइम पे आपको एक्चुअली फिजिकल सेल करना है प्रोडक्ट को। तो गाइज आपको वीक डेज ऑफ मिलेंगे, और वीक डेज में जो आपका काम होगा जो नॉर्मली वो एक्चुअल में आपका होगा, आप सुबह ऑफिस जाओगे, आपको वहाँ पे एक टेलीफोन मिलेगा, वहाँ से आपको आपको ऑलरेडी कुछ लीड्स कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और उन लीड्स जो आपको जो लीड्स वहाँ से जनरेट होती हैं, आपको वहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट्स बुक करने होते हैं। तो आप जैसे पूरा दिन कॉल करोगे, और आपको सैटरडे संडे के लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती हैं अराउंड 10-12, जिससे कि आप सैटरडे संडे पे आप उनको विजिट करोगे और आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, और वहाँ से आपको लीड्स एक्चुअली कन्वर्ट करनी होती हैं आपको सेल में। तो एक्चुअली आपको सेल ही करना है वहाँ पे, और सबसे पहले आप 4 दिन आप 3 दिन आप कॉल करोगे, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट्स बुक करोगे, और अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में आपको 2 दिन जो कि वीकेंड्स पे आप घर जाओगे, और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और वो प्रोडक्ट आपको एक्चुअली सेल करना है, और वहाँ से सेल करने के बाद में आपकी ये साइकिल चलती रहेगी। तो थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि अगर आप सेल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं, तो आपको बॉस आपके जो भी बॉस होंगे वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो थोड़ा प्रेशर आपको लेना पड़ेगा, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। आप थोड़ा रूडली भी बात करेंगे वो आपसे, तो आप कुछ उल्टा सीधा उनको नहीं बोल सकते, तो आपको सुनना पड़ेगा वो, और आपको सेल करनी है। सेल करने के बाद में अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर छोड़नी भी पड़ सकती है। तो प्रेशर आपको बहुत रहेगा, बट अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो मुझे लगता है आप इजीली सेल कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट या इट्स लिटिल डिफिकल्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा देख लीजिए कि आप कर पाओगे कि नहीं, और अगर आपको लगता है दैट यू कैन सेल एनीथिंग, देन आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर इट। सो अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एक्चुअली मैंने नया चैनल खोला है। अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और गाइज़ अगर आपको कोई और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जस्ट कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइज़ दिस वॉज इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सही चीज़।